हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्रेया ने जिस तरह से दिव्या की तरफ देखा, उससे एक पल के लिए दिव्या डर गई थी कि कहीं ये लड़की अब मना ना कर दे। कुछ पल की चुप्पी के बाद श्रेया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नो मैम, आई एम रेडी। इस वक्त ये फैसला उसे अपने लिए सही लग रहा था। पक्का? यू प्रॉमिस मी? चोपड़ा फैमिली राघव को लेकर आज शाम आ रहे हैं, उनके सामने फिर हमें शर्मिंदा तो नहीं करोगी ना? श्रेया ने ना में सिर हिलाते हुए एक फीकी सी स्माइल दी, आई प्रॉमिस। उधर कबीर को उसके दादाजी अशोक कपूर ने अचानक से घर बुला लिया था। इस बात का अंदाजा कबीर को हो चुका था कि उसके दादाजी ने उसे इस तरह से क्यों बुलाया होगा। अभी भी कपूर फैमिली के सारे बड़े डिसीजन, चाहे वो घर के हों या कंपनी के हों, वो अशोक कपूर ही लिया करते थे। आज पहली बार पैर छूने पर अशोक कपूर ने कबीर के सिर पर हाथ नहीं रखा। उनके चेहरे से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। कबीर ने अपनी माँ की तरफ देखा, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कबीर, हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। मेरा गुरूर तोड़ दिया तुमने आज। अपने दादाजी की बात सुनकर कबीर का दिल टूट गया। वो अपने दादाजी के बहुत क्लोज था। आज तक उन्होंने कभी ऐसे मुंह मोड़ कर उससे बात नहीं की थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी सारी सच्चाई बता दे उनको कि ये सब उसकी खुद की माँ ने किया है उसके साथ। पर माँ को भी तो वो उतना ही चाहता था। कैसे वो अपनी माँ को सबकी नजरों में गिरा सकता था। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही बोला, सॉरी दादू, इट वॉज एन एक्सीडेंट। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से उस लड़की की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाएगी? अशोक कपूर गुस्से में खड़े हो गए। अपने पोते से वो बेहद प्यार करते थे, पर वो एक न्याय पसंद इंसान थे। वो गलत का साथ कभी नहीं देते। उस लड़की से शादी कर लो, अशोक कपूर ने सीरियस टोन में कहा। कबीर ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उन्होंने झट से कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ पापा जी, हमारे परिवार ने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। कबीर का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। नहीं दादू, इट वॉज एन एक्सीडेंट। हम दोनों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ओह, टिपिकल कबीर कपूर और उसकी जिद। क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है? उस लड़की ने साफ लफ्जों में तुम्हारी माँ से कहा कि तुमने उसका किडनैप किया था। ये बात अगर मीडिया तक पहुँच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी कपूर खानदान की? गुस्से में कबीर के दादाजी खड़े हो गए। मेरी बात न सही, कम से कम अपने दादू की बात तो मान लो। वो कभी कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। मिसेस कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से उसे मनाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर कबीर को अभी भी कोई गिल्ट नहीं दिख रहा था। कबीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ किसी दिन कुछ ऐसा काम भी कर देगी। कबीर के मन में क्या चल रहा था, उसका अंदाजा मिसेस कविता को था। ऐसा नहीं था कि उन्हें बुरा नहीं लग रहा था या कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा था। बेशक हो रहा था, खासकर श्रेया के लिए। पर बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये फैसला किया था। 2-3 महीने पहले श्रेया आधी रात को अपने नाजुक कंधों का सहारा लेते हुए कबीर को घर ले आई थी। नशे से बुरा हाल था कबीर का और उसके हाथ से भी बहुत खून निकल रहा था। कबीर को उस हाल में देखकर पहले तो कविता की जान ही निकल गई थी। श्रेया भी नशे में थी, ये बात उसके लड़खड़ाते हुए कदम देखकर कविता समझ गई थी। थैंक गॉड, चोट इतनी गहरी नहीं है। कबीर के हाथ के घाव को साफ करने के बाद कविता ने राहत की सांस ली। सारे हाउस हेल्पर्स और घर के बाकी लोग तब तक सो चुके थे। कविता ने किसी को उस वक्त उठाना सही नहीं समझा। आंटी जी, आपका बेटा बहुत क्यूट है, नशे में खुद को तो वो संभाल नहीं पा रहा था और मुझे बचाने आ गया। श्रेया ने बड़ी ही मासूमियत से कविता को कबीर की ड्रेसिंग करने में हेल्प करते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन मिसेस कविता का सीरियस चेहरा देखकर दूसरे ही पल वो चुप हो गई। ये सब हुआ कैसे? कबीर के हाथ पे एंटीसेप्टिक लगाते हुए मिसेस कविता ने पूछा। इससे पहले कि श्रेया कुछ बोल पाती, कबीर ने जोर से सिसकी भरते हुए अपने दूसरे हाथ से श्रेया का हाथ पकड़ लिया और श्रेया ने भी बिना कुछ सोचे बड़े ही प्यार से कबीर के घाव पर फूंकना शुरू कर दिया। आंटी, आराम से, उसे जल रहा होगा, मुझे दीजिए, मैं आराम से लगा देती हूँ। उसके हाथ से एंटीसेप्टिक लेकर श्रेया खुद लगाने लगी। मिसेस कविता हैरानी से देखे जा रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ और ही नोटिस कर लिया था। कबीर की बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था। उसे श्रेया के टच करने से
एलर्जी नहीं हो रही थी। श्रेया नॉनस्टॉप बोले जा रही थी कि कैसे क्या हुआ था और फाइनली कैसे वो कबीर को घर ले आई, लेकिन कविता को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस शॉक खड़ी थी। क्या कबीर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं, कबीर ठीक नहीं हुआ था। ये बात उन्हें अगले ही दिन पता चल गई थी, जब काव्या ने उसे छुआ था और कबीर को फिर से स्किन रैशेस हो गए थे। श्रेया वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी। उस रात जब कविता ने थैंक यू बोलते हुए उसे एक मोटा सा नोटों का बंडल दिया था, तो उसकी आंखों में कोई लालच नहीं दिखा। श्रेया ने बिना झिझकते हुए मना कर दिया, ये कहते हुए कि गोरिल्ला शूट चल रहा था, ये बात मुझे पता थी, आपके बेटे को थोड़े ना पता थी। इस हालत में भी वो मुझे ये सोचकर बचाने आए कि मैं मुसीबत में हूँ। पैसा लेकर मैं इनकी अच्छाई को इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं है। कविता को पूरा यकीन था कि श्रेया हमेशा कबीर को खुश रखेगी, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि श्रेया ही कबीर की बीमारी का इलाज थी। उसके टच करने से या करीब आने से कबीर को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे दादा पोते का आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा था। चाहे बात कोई भी हो, सच यही है कि तुम उस लड़की के साथ होटल में एक ही कमरे में रात भर थे। यू हैव टू मैरी हर। फॉर गॉड सेक दादू, मुझे याद भी नहीं है कि अगर हमारे बीच कल रात को कुछ हुआ भी होगा तो। आई डोंट इवन नो दैट गर्ल। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये भी बता दूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। कबीर गुस्से में अपने बोलने का लिहाज भूल गया था। अशोक कपूर ने कविता की तरफ देखा। पता नहीं क्यों कबीर को एक पल के लिए लगा जैसे अपनी माँ की इस साजिश में उसके दादाजी भी शामिल थे। कुछ पल के लिए वो पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। कुछ देर बाद गहरी सांस छोड़ते हुए मिस्टर अशोक कपूर ने कहा, कबीर कपूर, तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे अपने पोते को धमकी दे रहे हैं? कबीर ने गुस्से में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें, जो कल तक मेरा फेवरेट पोता था, उसे धमकी दे रहा हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर श्रेया से शादी नहीं की तो मैं अपनी सारी मेडिसिन लेना बंद कर दूंगा। सिर्फ वही नहीं, हर वो चीज करूंगा मैं जो एक हार्ट पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। इतने सीरियस माहौल में भी कबीर को हंसी आ गई। अपने दादाजी को इतना ज्यादा ड्रामा करते हुए देखकर, हंस लो, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, पंख निकल आए हैं तुम तीनों भाइयों के। दो तो पहले ही हाथ से निकल चुके थे, एक आखिरी उम्मीद तुम्ही से थी, पर आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जाकर अपने फेवरेट कॉर्नर की फेवरेट चेयर पर बैठ गए। एक जाकर विदेश में बस गया है, एक सुपरस्टार बन गया है। उनको लगा वो लोग आसमान में पहुंच गए। जमीन से जुड़े रहने की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने दादाजी का मायूस चेहरा देखकर कबीर को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे कबीर, हमेशा से ही तुम समझदार सुलझे हुए थे। आखिर तुम भी अपने भाइयों की तरह ही बन गए। ठीक है बेटा, करो, तुम्हें जो मर्जी करनी है, पर मैं अशोक कपूर अभी इसी क्षण ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लूंगा और ना ही एक बूंद पानी पीऊंगा। व्हाट रबिश दादू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कबीर को अच्छे से पता था कि उसके दादाजी कितने जिद्दी थे। यहाँ सिंघानिया हाउस में अपनी सौतेली माँ के एक्स्ट्रा लाड़ प्यार से श्रेया का दम घुट रहा था। उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था कि पक्का कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये औरत ऐसे बाल्टी भर भर के मक्खन लगाए जा रही थी। रिया के वार्डरोब से डिजाइनर ड्रेस लेकर उसके एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, बाहर से मंगवाए हुए मेकअप, सब कुछ आज श्रेया पर लुटाया जा रहा था। जिनको छूना तो दूर, देखने में भी पहले पाबंदी लगाई जाती थी। दिव्या खुद श्रेया को रेडी कर रही थी। अपने आप को आईने में देखकर खुद श्रेया भी नहीं पहचान पा रही थी। वो इतनी कमाल की खूबसूरत जो लग रही थी। दिव्या ने मन ही मन सोचा, इसको अपनी मुट्ठी में रखने के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। रिया से भी ज्यादा प्रिटी लग रही है अब ये। कहीं मिसेस चोपड़ा का मन ना बदल जाए और राघव की जगह कहीं राहुल के लिए इसका रिश्ता ना मांग ले। उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राहुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार उन्होंने छुप छुप के श्रेया को ताकते हुए देखा था। ये ख्याल मन में आते ही जानबूझकर उन्होंने श्रेया का मेकअप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाउड कर दिया। श्रेया को सब समझ में आ रहा था, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी ये रिश्ता उसके लिए एक समझौता ही था। तभी उन्हें दो तीन गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। अदिति तुरंत भागकर उन्हें ये बताने आई थी कि चोपड़ा फैमिली पहुंच गई थी
दिव्या श्रेया को ये बोलते हुए जल्दी में वहां से निकल गई कि जब तक वो ना बुलाए वो बाहर ना आए। लगभग आधे घंटे तक बैठने के बाद श्रेया से और रहा नहीं गया। वो मेहमानों के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन छुप छुप के उन्हें देख तो सकती थी। असल में उसे राघव को देखने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही वो लिविंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची, चोपड़ा परिवार की सारी बातें उसे साफ साफ सुनाई देने लगी। शायद वो राहुल की मॉम थी जो कह रही थी कि हम सब जानते हैं कि आपकी सबसे छोटी वाली बेटी आपकी नाजायज औलाद है मिस्टर सिंघानिया। हमारे राघव के लायक तो वो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन हमें उसकी फोटोज बहुत पसंद आई। लड़की खूबसूरत है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। और कुछ ना सही, एटलीस्ट मेरे राघव के बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। ये सुनकर सब हंस रहे थे। बच्चा? कैसा बेहुदा सोच वाले लोग हैं ये। श्रेया ने नाक सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, क्या उसे बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह देखा जा रहा था। तभी श्रेया की नजर एक छोटी हाइट के इंसान पर पड़ी। उसकी हाइट शायद 5 फीट से भी कम होगी। किसी छोटे बच्चे की तरह वो पेंडुलम जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हिले जा रहा था। अपना सिर इधर से उधर घुमाकर कभी रूम कभी सीलिंग को देखे जा रहा था, और बीच बीच में उंगली से नोजी निकालते हुए उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। डिस्गस्टिंग। श्रेया हैरानी से सोच ही रही थी कि ये एबनॉर्मल सा लड़का कौन हो सकता है। तभी दिव्या ने उसे देख लिया और फेक स्माइल के साथ एक्स्ट्रा स्वीट बनते हुए उसे अपने पास बुलाया। दिव्या सबसे श्रेया को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन श्रेया की आंखें बस राघव को ढूंढ रही थी। मिसेस चोपड़ा ने श्रेया को अपने पास बैठने के लिए बुलाया, लेकिन श्रेया थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि वो एबनॉर्मल लड़का उसके पास ही बैठा हुआ था। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राघव से क्या शर्माना बच्चा, जाओ बैठो, आखिर तुम्हारा होने वाला पति है। ये सुनते ही श्रेया स्टन रह गई। ये राघव है? जैसे उसके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। श्रेया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिंघानिया फैमिली के लिए वो बस एक मजाक थी। मन तो कर रहा था कि अभी सब पर जोर जोर से चिल्लाए। इस आदमी से शादी करवाने के लिए उसे इतना तैयार किया जा रहा था, क्या वो इतनी नालायक थी? श्रेया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। श्रेया ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन बड़े ही आराम से उन्होंने अपनी नजरें चुरा ली थी। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, भाग जाए यहाँ से, चिल्लाए इन बेशर्म लोगों पर, या दिव्या को कस के एक थप्पड़ लगाए, क्योंकि इस पूरे सर्कस की रिंग मास्टर तो वही थी। तभी अचानक से राघव को पागलों का दौरा पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा और उठ के कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगा। वहां मौजूद सभी लोग उसको संभालने के चक्कर में हैरान परेशान हो गए, लेकिन कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। एट लास्ट दोनों परिवारों के लोगों ने उसे हर तरफ से घेर लिया और राघव ने गुस्से में दिव्या के हाथ पर जोर से काट लिया। उसने इतनी जोर से काटा कि उसके हाथ से खून ही निकल आया। दिव्या हक्की बक्की रह गई। जितना उसने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पागल था ये लड़का, लेकिन शुक्र था भगवान का कि इस पागल से अब अदिति की नहीं, श्रेया की शादी होने वाली थी। और अब दिव्या ने नोटिस किया कि श्रेया आसपास कहीं नहीं थी। श्रेया? श्रेया कहाँ गई? दिव्या ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो छोटी दीदी को मैंने बाहर जाते हुए देखा था, किसी हाउस हेल्पर ने बोला। ये सुनते ही दिव्या बौखला गई। कोई जाओ उसके पीछे, पकड़ के लाओ उसे, भागने मत देना उसे। गुस्से में वो ये भूल गई कि चोपड़ा परिवार अभी भी वहीं पर था। श्रेया को कुछ होश नहीं था कि कैसे वो वहां से भाग निकली, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि दोबारा कभी उस घर में वो लौट कर नहीं जा सकती। अभी भी वो बेसुध सी भागी जा रही थी बिना पीछे मुड़े। किसी भी हाल में वो रुकना नहीं चाहती थी। भागते भागते एकदम से कैसे वो एक बड़ी सी कार के सामने आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब तक वो रियलाइज करती और खुद को संभाल पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया एक टेनिस बॉल की तरह हवा में उछल के जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो गईं और उसके सिर से मानो खून की नदियां बहने लगी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।